अब देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 21st एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक का 1.36 पेज नंबर है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। अच्छी बात है, हमारे पास बच्चों दो पार्टनर है, ए है और बी हमारे पास में पार्टनर है बच्चों। एंड देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल कहे थे किए थे उन सब में जो है बेटा, हमने जो है वो ओपनिंग कैपिटल के बारे में कहा था कि इतना अमाउंट लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, या जो इनकी साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को जो इनकी कैपिटल वो इतने रुपए की, वो सब में ओपनिंग कैपिटल थी। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ये क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। कितने रुपए की है, 7 लाख 6 लाख की। तो यहां लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल, इट इज क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपीज की तो ए की है और 6 लाख रुपीज की जो है वो बी की क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि डिटरमिन देयर ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ उसने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, बोला भैया इनको ध्यान में करो, जो करना ऐड ऐड करो, जो करना लेस लेस करो, मुझे तो बस ओपनिंग कैपिटल निकाल कर दे दो। Drawings of A and B for the year 75,000 and 50,000 respectively. जो drawings है ना बच्चों, ये drawings दे रखी है उसने आपको। अभी मैं सिर्फ question को board पे अपने language में convert कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा इसमें। उसने कहा कि 75,000 की drawings जो है वो तो A ने की और 50,000 की drawings जो है वो B ने की है बच्चों। आगे कह रहा है कि बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई है बच्चों, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल ए ने नहीं लगाई, बी ने लगाई है। कितने रुपए की, 1 लाख रुपीज की लगाई है। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी वर रुपीज 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। आईओ से निकाल कर दे रखा है उसने आपको, थैंक यू बोलो इसको, हाथ जोड़ो इसके, अगरबत्ती भी कर देना इसके आगे। तो यहाँ पे आईओसी जो है वो 15,000 तो ए का है साहब, और जो 10,000 है वो बी का, उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट बनता है। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, ओके, ए और बी की, अच्छी बात है। तो जो आई ओ डी है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का बनता है 7500 बच्चों, और 5000 बनता है बी का, ओके। आगे कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स वाज रुपीज 1 लाख ईच। प्रॉफिट हुआ साहब हमको कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, 1 लाख तो हमें दे दिया ए को और 1 लाख दे दिया बी को, ऐसा बोल रहा है। तो प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमने ए को दे दिया बच्चों, और 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट बी को दे दिया। उसने लिखा है 1 लाख ईच, यानी दोनों का प्रॉफिट 1-1 लाख रुपए, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किस चीज का, ओपनिंग कैपिटल का, मतलब ये परफॉर्मा पूरा वापस से बन जाएगा। इसको मैं आगे बच्चों आप लोगों के लिए बना रहा हूं, है ना। तो यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये एग्जांपल नंबर आपका 21st है बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं ए और लिखते हैं यहां पर हम बी, ठीक है। सबसे पहले उसने मेरे को दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, तो यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल बच्चों, ओके। अभी क्लोजिंग कैपिटल कितनी बोल रहा है वो देखिए पीछे, इसकी एक की तो है 7 लाख और बी की है 6 लाख, तो लिख दीजिए यहां पर 7 लाख और इसकी है 6 लाख, ओके साहब। अब बच्चों इसमें से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किस चीज को ऐड करेंगे बच्चों, इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, क्योंकि पहले आपने ड्राइंग्स को लेस किया होगा ना, पीछे हमने फॉर्मेट बनाया है उसमें, तो वापस इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। अब ड्राइंग्स कितने रुपए की आ रही है, 75,000 और 50,000 की ड्राइंग्स आ रही है, तो 75,000 और 50,000 की ड्राइंग्स बच्चों यहां पर हो गई। क्या इसके अलावा इसमें कुछ ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है क्या, आईओडी है क्या, हाँ जी आईओडी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था इसमें बच्चों। कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो देख लो एक बार, ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है ये रहा,
7500 और 5000 यहां पर था, तो लिखेंगे 7500 और 5000 यहां पे इसको हम लिख देंगे बच्चों। बस इसके बाद में इसमें ऐड करते हैं अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की हो, बी ने तो कैपिटल लगाई है उसने विड्रॉ नहीं की, तो यहां पर ना तो ए ने विड्रॉ की कैपिटल में से कुछ भी अमाउंट और ना ही बी ने किया, तो बस कुछ नहीं करना इसको यहां पर पूरा हम ऐड कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। अभी इसके बाद में जो है बच्चों हमको लेस करना है, क्या लेस करना है, हमने आई ओ सी को जो है उसमें पहले ऐड किया होगा ना, तो अब यहां पर आई ओ सी को लेस कर देंगे। क्या आई ओ सी इसमें है 15,000, 10,000, तो लिख देंगे यहां पर हम लोग 15,000 और 10,000 बच्चों, ठीक है। इसके बाद में आईओसी हो गया, क्या कोई सैलरी थी क्या इसमें, कोई सैलरी नहीं है। कोई बोनस था क्या, कोई बोनस भी नहीं है। कोई कमीशन था क्या, कोई कमीशन भी नहीं है। तो क्या किसी पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई है क्या, हाँ जी एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो उसको क्या करोगे, उसको लेस कर दोगे, लेस हो जाएगा यहां पर एडिशनल कैपिटल, ठीक है बच्चों। और एडिशनल कैपिटल जो लगाई थी ना वो बी ने लगाई थी 1,00,000 रुपए की, डन बच्चों। और कुछ है इसके अलावा चेक कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर एडलेस कर लेंगे यहां पे। आइए इसको एडलेस करते हैं, अब कितना आ रहा अमाउंट, चलिए सबसे पहले ए का ऐड कर लेते हैं, 7,00,000 रुपीज का ये था, 75,000 का ये और 7500 का ये, टोटल यहां पर हो गया 7,82,500 बच्चों। ऐसे इसका भी ऐड कर लीजिए, 6,00,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 बच्चों, तो ये हो गया 6,55,000 बच्चों। अब इसमें से लेस करना पड़ेगा हमें, तो 782,500 में से लेस करेंगे 15,000, तो ये आएगा बच्चों आपके पास में 7,67,500 बच्चों। और ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 655 में से लेस करेंगे हम लोग, 1,10,000 टोटल कर लिया इसका मैंने पूरा ही, तो ये हो जाएगा 5,45,000 बच्चों। ये क्या है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, बस हमें ये काम इसमें करना था बच्चों। बच्चों क्या हम इस जो हमने फॉर्मेट बनाकर इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, क्या हम इसको अकाउंट के माध्यम से भी, अकाउंट के थ्रू भी, यानी क्या हम इसको पार्टनर्स अकाउंट बनाकर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो सर एग्जाम में करना कैसे है, कैसे भी कीजिएगा दोनों सही है, दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसे समझ में आपको नहीं आता है तो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी मैं आपके सामने करके आपको दिखा रहा हूं बच्चों। अब देखो बच्चों यही हमने फॉर्मेट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इसी में ही हम क्या करते हैं उस पूरे क्वेश्चन को करने की बच्चों कोशिश करते हैं। यहां पर पहले जो यहां पे अमाउंट लिखा है इसको हटा दो यहां से, क्योंकि अमाउंट में ही चेंज होगा सिर्फ, बाकी तो और कोई चेंज होना है नहीं, है ना। तो यहां पर हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं फटाफट से, और अब चलते हैं सबसे पहले कहां पे चलते हैं, पहले चलते हैं अपन लोग ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी है, ये तो बैलेंसिंग फिगर से आएगी, छोड़ दो। आईओसी आया था क्या, हाँ जी आईओसी आया था, और आईओसी कितना आया था बच्चों, आईओसी था 15,000, 10,000, तो लिख दीजिएगा यहां पे 15,000 इस भाई का था और 10,000 इस भाई का था, यानी बी का, ठीक है साहब डन। कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन क्वेश्चन में नहीं है गिवन, तो डैश मार दो, नहीं लिख दो वहां पे। प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 रुपीज दोनों को हमने दिए थे, 1,00,000 हमने इसको दिए थे और 1,00,000 हमने इसको दिए थे, ठीक है बच्चों डन। इसके बाद में क्या किसी पार्टनर ने कुछ एडिशनल पैसा लगाया था क्या, हाँ जी इसने लगाया था बी ने 1,00,000 रुपीज का, तो यहां पे इसको लिख दो 1,00,000 डन। इसके बाद में ड्रॉइंग्स थी क्या कुछ, आइए एक बार देख लेते हैं ड्रॉइंग्स का अमाउंट क्या था। ड्रॉइंग्स तो थी 75 की और 50,000 की ड्रॉइंग्स थी बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा 75 इसका हो जाएगा और 50,000 इसका हो जाएगा। क्या इस ड्रॉइंग्स पर कुछ इंटरेस्ट भी था क्या, हाँ बच्चों था, वो था 7500 और 5000 इसका था बच्चों, है ना। इसके बाद में क्या किसने कुछ विड्रॉ किया कैपिटल के रूप में, नहीं किया, तो यहां पे डैश लगा दो, डन हो गया बस। अब क्या करना, अच्छा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी ना, बिल्कुल दे रखी थी, तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल थी 7,00,000 रुपीज की,
और इसकी थी बच्चों 6 लाख रुपीज की। बस इसको एडलेस कर लीजिए, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। 7 लाख प्लस ऐड करेंगे 7500, ये 7500 है बच्चों यहाँ पर, इसे 7500 है ना, और इसमें जो है ऐड करेंगे 75,000, तो ये हो गया आपके पास में 7,82,500 बच्चों। और इसको भी कर लो एक बार एडलेस, तो ये हो गया 50,000, 5,000, 6 लाख बच्चों, ये हो गया 6,55,000 यहाँ पर हो गया। अब बच्चों इसमें से ये पूरा लेस कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास में, तो आपके पास 7,82,500 में से हम लोग लेस करते हैं क्या 1 लाख प्रॉफिट के, और लेस करते हैं 15,000 IOC की, तो ये आएगा आपके पास में बैलेंसिंग फिगर से 6,67,500 बच्चों। और यहाँ पर टोटल लगा दीजिएगा 782,500 बच्चों, और इसका कितना आया था 655 यहाँ पर आया था, इस 655 में से क्या करेंगे इन सबको लेस कर देंगे, तो 655 में से लेस करेंगे पहले 1 लाख प्रॉफिट का, उसके बाद 1 लाख जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी उसका, और 10,000 उसका IOC का, तो बच्चों ये हो गया आपके पास में 4,45,000। ऐसे ही हमने देखो हमने ये अकाउंट बना के भी कर दिया और इसको जो है हमने फॉर्मेट बनाकर भी कर दिया, आपको जो तरीका सबसे सही समझ में आता है, दिमाग में बैठता है, आपको उसी से इसको सॉल्व करना है, ओपनिंग कैपिटल को सॉल्व करना है बच्चों, राइट। अब चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 22 करते हैं। सर इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, डिट्टो जो आपने एग्जाम्पल नंबर 21 किया था ना, बस यही एग्जाम्पल नंबर 22 है। सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है बच्चों, जो वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ था ना 1-1 लाख रुपए का, ये जो आपने 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, बस यहां पर जो प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया है एक्चुअल में, राइट। और लॉस कितने का हुआ है 20,000 ईच, यानी इसको भी 20,000 का लॉस हुआ और इसको भी 20,000 का लॉस हुआ है बच्चों, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा एग्जांपल जो है वो डिट्टो ऐसे कैसे ही है, पूरा एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। और बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हो कि प्रॉफिट होता है तो यहां आता है, राइट, प्रॉफिट होता है तो यहां आता है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो क्या, अगर लॉस हो बच्चों तो लॉस कहां आता है, लॉस यहां आ जाता है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे क्या टू PNL appropriation account बच्चों। और लॉस कितना बोल रहा है 20,000 इसका बोल रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और 20,000 इसमें यहां पर आ जाएगा बच्चों, राइट। बस कुछ करना क्या है, सेम तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा इस चीज को। चलिए बच्चों कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं इसकी पूरी, और यहां पे टोटल जो है इसको यहां से डिलीट कर देते हैं, इस टोटल को भी यहां से डिलीट कर देते हैं बच्चों, और देखते हैं इनको ऐड करेंगे तो 75,000, 7,500, 20,000, 7 लाख, तो ये हो गया 8 लाख, ये हो गया आपके पास में 8,02,500 बच्चों, राइट। और इसका भी ऐड कर लो कितना आएगा 6 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 बच्चों, तो ये हो जाएगा 6,75,000 बच्चों। इसमें से ये लेस कर लीजिएगा तो यहां पर देखिएगा, इसको तो हटाना ही है यहां से, है ना, ये तो निकालना है हमको इसके अंदर, तो यहां से हम क्या करेंगे इसमें बच्चों 8,02,500 में से बच्चों लेस कर देंगे ये 15,000, क्योंकि बस वही अमाउंट वहां पे लेस करना है, तो ये आ जाएगा 7,87,500 रुपीज। ये किसका हो गया, ये ए का हो गया, और बी का देखेंगे तो कितना आएगा 6,75,000 रुपीज में से लेस करेंगे कितना 10,000 तो IOC का, और 1 लाख रुपीज लेस करेंगे किसका, जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी उसका, तो ये हो जाएगा 5,65,000। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5,65,000 बच्चों, दैट्स इट। टोटल लगा लीजिएगा नीचे पूरा आपका क्वेश्चन, यहां पर ये सॉल्व हो गया है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 और 22 सेम तरीके के हैं, दोनों में ही आपसे ओपनिंग कैपिटल निकलवा रहा था, आपने निकाल दी, बस 21 में उसने आपको प्रॉफिट दिया था 1 लाख ईच का, दोनों का 1-1 लाख रुपए का, और जो 22 एग्जांपल है आपका उसमें उसने 20,000 रुपीज का लॉस दे रखा है, 20 इसका 20 इसका, तो हमने पूरा क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व कर दिया है बच्चों, राइट। आई होप आपको ये दोनों जो इलस्ट्रेशन थे समझ में आ गए बच्चों।